सिर्फ देवांगे मोरी का सिर्फ देवांगे हालेलुया। अपनी रवायत के मुताबिक पंजाब में जो रवायत होती है कि हम आने वाले लोगों को जो हमारे खासुल खास मेहमान होते हैं उनको हम इज्जत देते हैं और उनको पंजाब की रवायत के मुताबिक उनको पगड़ी पहनाई जाती है और इस रवायत को बरकरार रखते हुए हम इस सारी तरतीब को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और आपका आपके सामने मैं खुदावंद के बंदा को जो नहायत ही खुदावंद ने उनको बरकत दे रखी है आपके सामने मुतारफ करवाना चाहता हूं। जिस शख्सियत को मैं यहां पर मुतारफ करवाने जा रहा हूं वो खुदावंद ने उन पर अपना हाथ बढ़ाया और वो आज जो यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद की खास शफकत की वजह से यहाँ पर हैं और ये रुकने कौमी असेंबली है और एमएनए चेयरमैन क्रिश्चियन काउंसिल पाकिस्तान मेंबर मजहबी अमूर बैनल मुजाहब हमांगी के ये मेंबर हैं और ये आपकी जोरदार तालियों में मैं दावत देना चाहता हूं आपका बेटा आपका भाई फकरे मसीहत आपकी जोरदार तालियों में दावत दे रहा हूं मिस्टर जमशेद थॉमस जोरदार तालियां खुदावंद के बंदा के लिए जोरदार तालियां आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूं मिस्टर जमशेद थॉमस और इनको पगड़ी पहनाने के लिए आपकी भरपूर तालियों में आ रहे हैं मिस्टर नेमत भट्टी साहब जोरदार तालियां इनके लिए हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां खुदावंद के बंदा मिस्टर नेमत भट्टी साहब हालेलुया 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 हालेलुया। इसी तरह से इनको माला पहनाने के लिए हार पहनाने के लिए इनके पीएसओ साहब को दावत देना चाहूंगा मिस्टर नवीद भट्टी जोरदार तालियां इनके लिए मिस्टर नवीद भट्टी जोरदार तालियां हालेलुया हालेलुया। साथ ही साथ आपका तारुफ एक मजीद अच्छी शख्सियत से जो बहुत ही सरगर्म रहते हैं और खुदावंद के लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं जोरदार तालियां जी मिस्टर असलम सोत्रा के लिए जोरदार तालियां मुझे लगता है इनसे सभी जैलस है इसलिए कोई तालियां नहीं बजा रहा हालेलुया। अभी खुदावंद के खादम को जिनके मुंह में आज का कलाम है उनको भी मैं दावत देना चाहूंगा जो खुदावंद के 16 बयान है अपने अपने मुंह में खुदावंद का कलाम लिए हुए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में पास्टर अयूब खावर जोरदार तालियां खुदावंद के बंदा के लिए जोरदार तालियां और इनको पगड़ी पहनाने के लिए आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगा एक और हार पहनाने के लिए
खुदावन के बंदा को हार पहनाने के लिए आपकी जोरदार तालियों में तशरीफ ला रहे हैं असलम सौत्रा। असलम सौत्रा के लिए जोरदार तालियां दी, जोरदार तालियां, हालेलुया। खुदावन की एक और शख्सियत जिनकी वजह से ये सारा पंडाल सजता है, जिन्होंने अपनी जगह ये मखसूस की कि खुदावन का काम यहाँ पर हो सके, मैं उनको आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगा, मिस्टर नेमत भट्टी। मिस्टर नेमत भट्टी साहब, जोरदार तालियां देने के लिए, इनको पगड़ी पहनाने के लिए आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं भाई नजीर मसीह। भाई नजीर मसीह खुदावन के बंदा को पगड़ी पहनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं भाई नजीर मसीह, जोरदार तालियां दें इनके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी एक और शख्सियत है यहाँ पर, और आने वाले हम ईमान रखते हैं ये आने वाले सेंटर हैं, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगा भाई जॉन फिलिप्स। भाई जॉन फिलिप्स, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, हालेलुया, हालेलुया। इनको हार पहनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं एल्डर नसीर। एल्डर नसीर साहब इनको हार पहनाएंगे, जोरदार तालियां एल्डर नसीर साहब के लिए, एल्डर नसीर साहब के लिए जोरदार तालियां। एक और अजीम शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनको मैं चाहूंगा कि हम वेलकम करें, आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूंगा समीर रॉबर्ट साहब। समीर रॉबर्ट साहब, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां समीर रॉबर्ट साहब। और इनको हार पहनाने के लिए आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं भाई बूटा गिल। भाई बूटा गिल, जोरदार तालियां इनके लिए, इनको हार पहनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं भाई बूटा गिल, जोरदार तालियां दी, जोरदार तालियां, हालेलुया। अजीम शख्सियत है यहाँ पर, उनको भी हम वेलकम करना चाहेंगे, आपके भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं भाई महफूज साहब। भाई महफूज साहब, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। और इनको हार पहनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं भाई आसफ। भाई आसफ, जोरदार तालियां भाई आसफ के लिए, इनको हार पहनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं भाई आसफ, जोरदार तालियां, हालेलुया, 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 जोरदार तालियां भाई आसफ के लिए। नेशनल टीवी के ये डायरेक्टर हैं, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगा डॉक्टर सदागर। डॉक्टर सदागर, जोरदार तालियां इनके लिए, और इनको माला पहनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में भाई रफीक। भाई रफीक, जोरदार तालियां इनके लिए, भाई रफीक, जोरदार तालियां, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमारे दरमियान मजीद कुछ भाई हैं जो बुके देना चाहते हैं हमारे एमएनए साहब को, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगा एमएनए साहब के कोऑर्डिनेटर मिस्टर असलम सौत्रा साहब। मिस्टर असलम सौत्रा साहब वो बुके देंगे एमएनए साहब को, जोरदार तालियां इनके लिए। अजीज दोस्त यहाँ पर मौजूद है, अजीज दोस्त यहाँ पर मौजूद है, राणा माना साहब, राणा माना साहब, राणा इमरान साहब, राणा इमरान साहब, जोरदार तालियां इनके लिए,
इज्जत देना चाहेंगे और मैं कहूंगा भाई यशवा आएंगे और इन्हें हार पहनाएंगे। भाई यशवा के लिए जोरदार तालियां, भाई यशवा के लिए जोरदार तालियां। हमारे मेहमान को ये हार पहनाकर वेलकम करेंगे। भाई यशवा जोरदार तालियां। और दोस्त यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनको भी वेलकम करना चाहेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगा भाई इमरानुल हक। भाई इमरानुल हक जोरदार तालियां भाई इमरानुल हक के लिए। इनको हम वेलकम करते हैं और इनको हार पहनाने के लिए आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं भाई अशफाक। भाई अशफाक जोरदार तालियां भाई अशफाक के लिए, जो खुदा उनके बंदा को हार पहनाकर उनको वेलकम कहते हैं। भाई अशफाक जोरदार तालियां के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम आए हुए मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, अपनी अपनी जगह पर बैठिए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। क्या आप सभी लोग खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? जोरदार नारा लगाएंगे खुदावंद के लिए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आपकी भरपूर तालियों में खुदावंद की आवाज को, खुदावंद के बंदा को जिसके मुंह में खुदावंद का कलाम है, भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगा पास्टर अय्यूब खावर। सरदार तालियां खुदावंद के बंदा के लिए, सरदार तालियां। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। मसीह मोहब्बत है। मैं आज भी एक छोटी स्टोरी है, बड़ी नहीं, एक छोटी स्टोरी, और उससे मैं स्टेप आगे लेके जाऊंगा। आप हाथी को सभी जानते हैं और कीड़ी को भी जानते हैं, चौंटी को भी। ऐसा हुआ कि हाथी की कमर पर एक कीड़ी बैठी हुई थी और उसने कोशिश कर रही थी, उन दोनों ने कोशिश करनी थी कि हम एक पुल क्रॉस करें। पुल क्रॉस करना था, वो लकड़ी का था, और जैसे ही वो हाथी का, क्योंकि वेट ज्यादा होता था, कीड़ी का वेट नहीं था। अब वो हाथी जैसे ही अपना पाँव आगे रखता था तो वो जो पुल था एक तरफ चला जाता था और वो डर के पीछे हो जाता था। तो कीड़ी ने उससे कहा कि आप पीछे क्यों हटते? उसने कहा कि ये पुल नाजुक है और मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कीड़ी ने कहा आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, हम किसी तरीके से दोनों इसे पार कर लेते हैं। उसने फिर कोशिश की और एक तरफ गया। जब वो वापस आने लगा तो उसने कहा आप क्यों पीछे हटते हैं, आप इस तरफ करेंगे तो पुल इधर आ जाएगा। वाकई जब उसने इधर पाँव रखा, दूसरा रखा, पुल फिर एकदम वजन इधर होना शुरू हो गया। खैर ऐसे करते कराते पुल पार कर लिया उन्होंने। तो चोटी कहने लगी देखा हम दोनों ने मिलकर आखिर पुल पार कर लिया। किया था हाथी ने था, लेकिन उसकी स्ट्रगल थी, उसका एक काम था। निजात का काम तो यीशु मसीह ने कर दिया। हम उसके साथ चल भी नहीं सकते, हम खड़े भी नहीं हो सकते, टाइम नहीं दे सकते उसको, चलो कोशिश करके हम भी उस तक पहुंच जाए, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। अदर काम के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन खुदा के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और शायर ये कहता है कि जब इंसान की जिंदगी से ये दम चला जाता है तो वो एक लम्हा है, उसमें लंबी देर नहीं है, लंबे मंसूबे नहीं है, लेकिन जितना टाइम खुदा ने हमें दिया है कम से कम उतने टाइम को ही हम खुदा के साथ गुजारे। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल
जब इस बात को देखता है उसकी बेपना मोहब्बत को कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ये सब कुछ सहा, यानी दुख बर्दाश्त किए, मुश्किलात सफर काटा, परेशानियों का सफर काटा, दुखों के अंदर जिंदगी गुजारी, तो फिर वो बड़ी दलील देता है, कहता है अब मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो मसीह उसी वक्त जिंदा नजर आएगा जब आप उसके साथ खड़े होंगे। अगर आप, मैं कहता हूं कि आपके पास दुनिया के रुतबे हों, लेवल हो आपके पास, अगर यीशु मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कहता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आए हम आगे देखते हैं। मेरी ये बातें बताने से यूं होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ये भाई ने अभी मेरी मदद की है कि आप जरूर सुनाना चाहिए, कलाम सुनना चाहिए, हो सकता है हमारे पास ये खुदा ने वक्त दिया हो। मेरे पास, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे, हो सकता है ये एमएनए साहब का प्लान हो, मेरा कोई प्लान नहीं था। मुझे इमीडिएटली कहा, तो मैं तो आज सारा दिन इतना बिजी था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने चर्च में जाऊँ और थोड़ी देर टाइम में ठहरा हूँ, तो मैं फौरी वहाँ से वापस आ गया। मैंने कहा कि अब मैं कमिटेड हो गया हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, मैं मुनादी के लिए पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उसके लिए यहाँ पर जबरदस्त मेरे पास चंद लफ्ज हैं। आज यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हैं तो ये मसीह की मोहब्बत है। बाइबल कहती है कि हम पकड़ दकड़ के यहाँ पर नहीं आए दुनिया में कि इसको यहां से पकड़ा और यहां पर सजा दिया जिस तरह ये बलून सजाए हुए हैं। हम प्री प्लान है, ये उसकी बेपना मोहब्बत है, फिदिये का रिजल्ट है, और हमें संड किया गया यहां पर दुनिया में, भेजा गया है कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गुआ होगे। हमें गुआई के लिए खड़ा किया गया है, पैशन के लिए, कि जितनी देर तक हमारी जिंदगियों के अंदर दम है, सांस है, हम यीशु के लिए बोलेंगे। और इसलिए जब पौलुस रसूल को ये नजारा मिला उसकी मोहब्बत का, तो वो कहता है अब मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं एक हवाला पढ़ूंगा, उससे हम आगे चलेंगे। अगर किसी के पास बाइबल है तो इफिसियों 2 बाब और उसकी 1 आयत से यहां पे मैं देखूंगा, यहां पर लिखा है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। दुनिया में आने के बाद भी हम परफेक्ट इंसान नहीं थे, अगर परफेक्ट इंसान होते तो यीशु मसीह की जरूरत ना पड़ती। इसका मतलब है, लिखा सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। गुनाह मौत का सबब है। आदम को कहता है जिस रोज तूने खाया तू मर गया। गुनाह इंसान के लिए मौत लिए फिर रहा है। नाफरमानी, ये जरूरी नहीं है कि हम कत्ल करें फिर हम गुनाहगार हैं, या हम चोरियां करें फिर हम गुनहगार हैं। हर वो खुदा की नाफरमानी जिससे खुदा मना करता है, अगर आप करते हैं तो आप गुनहगार हैं। जबरदस्त बात कहता है कि और उसने तुम्हें भी, यानी मुझे और आपको जिंदा किया। ये मोहब्बत है। दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। बाइबल आप और मैं गुनहगार हैं। जिस खुदावंत का फजल है ये उसकी बेपना मोहब्बत है।
उसने अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये हमेशा की जिंदगी उसकी मोहब्बत है जिसने अपना अपनी जान देने तक भी वो वफादार रहा, ये उसकी मोहब्बत है। और आज भी लोग दुनियावी तौर पर इस बात को अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं, अगर किसी के साथ कोई मोहब्बत करता है तो उन आसानों को खत्म नहीं करता, ये इंसानी फितरत है। लेकिन इस इंसानी मोहब्बत से ये मोहब्बत अफजल थी। और ये अफजल मोहब्बत क्या थी, एक हवाला मैं पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना उसका पांचवा बाप और उसकी चार आयत के अंदर, जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। कैसी बात है, कौन बंदा जो खुदा से पैदा हुआ, खुदा से पैदा कैसे हो सकते हैं। यूहन्ना की इंजील तीसरा बाप अगर पढ़े तो वहां पर लिखा है निकोदीमस रात के पहर के अंदर यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा कि ए रब्बी ए उस्ताद मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से है क्योंकि जो काम तू करता है कोई आम इंसान नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। हालेलुया। लेकिन यहां पर यह जबरदस्त बात है, हालेलुया, यहां पर जबरदस्त बात है, कौन से पैदा होना। वो कहता है जितनी देर तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता, वो गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता। गुनाह पर गालिब आने के लिए तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अगर मैं वहां पर होता उस जगह पर मेरी कोई तारीफ करता तो मैंने कहना था शुक्रिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको शुक्रिया नहीं कहा, उसने कहा सुन निकोदीमस मैं आपको सच कहता हूं कि जितनी देर तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर गालिब आता है, दुनिया पर हर बंदा गालिब नहीं आ सकता, कम खुदा का बंदा अब तक कायम रहेगा वो इस दुनिया पर गालिब आएगा, दुनिया के ला पर गालिब आएगा। ये क्वालिटी है, पावर है खुदा के अंदर, और उसके लिए वो कहता है खुदा कि अगर आप गालिब आना चाहते हैं, मैं नूर हूं तुम भी दुनिया के नूर हो, अगर चमकना चाहते हो तरीकी के अंदर तो फिर नूर को ले लो, नूर को पहन लो तो वो सारी तरीकी को खत्म कर देगा। हालेलुया। अगली बात, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये लंबा मवाद है तो मेरी मजबूरी है कि टाइम को सामने रखना है। ईमान है, लिखा है ईमान और ईमान के अंदर फर्क है। बहुत सारे ईमान, बहुत सारे लोग नेकियों के साथ कहते हैं कि हम आसमान पर चले जाएंगे, कहते हैं कि हम नेकियां करते हैं, हम नेक काम करते हैं, बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। माल बपतिस्मे के साथ प्लस होते हैं, मसीह के साथ माल जो आपके कायम है वो आपको हमेशा की जिंदगी के अंदर लेके जाएंगे। खाली ईमान के साथ नहीं, बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से, ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। और यहां पर लिखा अगर देखे वहां पर लिखा है कम वक्त उतना नहीं जानता कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। अगली बात, इफिसियों 2 अगर 9 देखे लिखा कि और ना अमाल के सबब से ताकि कोई फकर ना करे। ये हमारे कामों के सबब से नहीं है, हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं है, और इसलिए वो कहता हमारी नेकियां गंदी धज्जियों की मानद है। मेरी नेकी किसे कम ना आई, तेरी नेकी है कुछ होर ते यीशु मैनू साम के रखी। ये माल है परफेक्ट माल, ये माल आपको हमेशा की जिंदगी के अंदर लेके जा सकते हैं। उसकी डेफिनेशन फर्क है दुनिया के ईमान से या माल से, फर्क है।
आपको फर्क तरीके से अपनी जिंदगी बटानी पड़ेगी। मैं बताता हूं, पैदाइश दो बाप सातवीं आयत में अगर देखें, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। क्या हुआ? इंसान कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जिस मट्टी जब दम निकल जाता है तो कहते हैं कि कहां गए हम, खाक को खाक के स्मूर्त करने गए। ये मट्टी है, तू मट्टी में लौट जाएगा। दम निकल गया, लेकिन यहां पर लिखा है कि खुदा ने यह दम इसलिए फूंका कि इंसान न मरे। लाजर की कब्र पर जाकर यीशु ने कहा कि तुम अगर मुझ पर ईमान लाते तो ये जानते कि मौत और जिंदगी मैं हूं, गो कोई मर भी जाए फिर भी जिंदा रहेगा। मौत कुछ नहीं रहेगी। दुनिया के अंदर अगर बहुत बड़ा खौफ है, सबसे ज्यादा खौफ जो है आने वाली चीज है वो मौत है, लेकिन यीशु ने उस खौफ को भी खत्म कर दिया। बड़े रासबाज लोग, ईमानदार लोग कहते हैं हम इंतजार करते हैं। ये लूका की इंजील अगर देखें तो वहां पर शमौन रासबाज बंदा कहता है मैंने तेरी निजात को देख लिया है, अब सलामती से रुखसत कर ले, कोई परवाह नहीं। अय्यूब कहता है मैं सारी जिंदगी जंग लड़ता रहूं कि कब मेरा छुटकारा हो जाए। यशवा कहता है मैं उसी रास्ते से जा रहा हूं जो सारी दुनिया का है, कोई खौफ नहीं। इत्मीनान रखते हैं। पलूस रसूल कहता है कौन सी मौत, मरना मेरे लिए नफा है। मत्ती के जेल में लिखा हर सुदागर कीमती मोतियों की तलाश में दुनिया घूमता है ताकि मैं मेरा परिवार अमीर हो जाए। तो हम किस मौत से डरते हैं, कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? डरते इसलिए हैं, हमारी जिंदगी इंसानी है, दुनियावी जिंदगी है। अगर रूहानी जिंदगी हो तो फिर हम कभी भी खौफ नहीं करेंगे। वो कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए नफा। ये प्रॉफिट है, नफा है। आदम से जब निकल गया सांस, सो उसके लिए मुश्किल आई। पैदाइश दो बाप 16-17 आयत में अगर देखें तो क्या मुश्किल। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल तो बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबाद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू क्या मरा। आज हमें कहा जाता है, अमाल की किताब दूसरा बाब पढ़े तो बताया जाता है अगर आप हालात बदलना चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, मुश्किलों से आजाद होना चाहते हैं तो आओ मैं बताता हूं आपको, तौबा करें और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो आप निजात पाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, उस पत्रस के खिलाफ सुनने के बाद 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और वो लिखा रूह कुदस से भर गए। उनको तालीम दी कि तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ में मशगूल रहना, ये ईमानदार की अमली जिंदगी है। लेकिन यहां पर लिखा कि आपने इस तरह जिंदगी गुजारनी है तौबा के बाद, आदम वाली जिंदगी नहीं गुजारनी। कहा गया यूं ना करना, आदम ने फिर वही किया जिससे खुदा ने मना किया। और लिखा उसके बाद क्या हुआ, खुदा ने उसको क्या कह दिया। एक बात है जबरदस्त, यहां पर लिखा है कि खुदा ने क्या कहा, लेकिन नेकोबाद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया, लिखा क्या हो गया तू, जिस रोज तूने खाया तू मरा। अगली आयत के अंदर लिखा है 3 बाब की 10 आयत के अंदर, उसने कहा मैंने बाग में से तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपा लिया। ये उस वक्त की बात, जब खुदा खुदा की प्रेजेंस के अंदर आदम रहता था। आज भी लोग डरते हैं खुदा से,
तो ये खाली ना होता। लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं? वो नंगे हैं, गुनाह के अंदर है। तरीके कभी रोशनी के अंदर ठहर नहीं सकती, वहां पर वही ठहरेगा जिसकी उसके साथ लगन होगी, जिसकी मोहब्बत होगी। तो वहां पर लिखा है कि आदम वहां पर ठहर ना सको, उसने कहा मैं अब सामने नहीं आ सकता। तो आज क्या है, घरों में वीरान है, मोहल्ले वीरान है। मुझे लोग कहते हैं ना चर्च बहुत है। अभी ये मैंने सब इंटरव्यू दे रहे थे तो गलती कर गए। अगर चर्च जाते होते तो उन्हें पता होता है, वो कहते हैं चर्च बहुत होने के बावजूद भी चर्च खाली है। लोग किधर है, गलियों में है। और होने चाहिए ताकि कोई कुछ लोग किसी न किसी तरीके से उन्हें बचा सके। और सदियों से हम ये लफ्ज बोलते हैं, हम बड़े हमारे ये बोलते थे, हम सुनते थे। क्या आप सुनते थे? जाना रोड़ दिया ताई फड़ के लाइए किनारे। सदियों से पुरानी बात है। तो हम कौन सी जाने भी बचा रहे हैं फिर? हम तो अपने आप को नहीं बचा रहे हैं। हम छुपते फिरते हैं बातों से। कहिए ना, ओ भाजी पादरी थे, अच्छा कितनी देर लगनी है? चावल उठे है ना, अच्छा की कौन कौन आया, पादरी कहना आया? ओ भाई क्यों नहीं खुदा दी जरूरी चाह रहे? लोग कहते थे उस वक्त मैं खुश होया जदो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। ये मोहब्बत थी, एक्सेप्ट करते थे। खुदा बुलाता था, आदम तू कहां है? तो एकदम आदम जवाब देता था और वो उसके साथ बातें करता था। आज भी बाइबल में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर मेरे बाप का रूह है। खुदा का रूह बोलता है लोगों की जिंदगियों के अंदर, रहनुमाई के लिए, करेक्शन के लिए। हमारा पार्ट क्या है? हम ये भी नहीं दिलासा दे सकते कि कोई बात नहीं, ये दुनिया का पुल तो हमने क्रॉस करना ही करना है, आखिर तो जाना ही है। तो ले जाने वाला हमें यीशु मसीह है, तकलीफ तो वो उठा रहा है। तो आप उसके साथ उसकी मोहब्बत में खड़े भी नहीं हो सकते। आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगा, हालेलुया, हालेलुया। कितने इस बात को समझते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूं और मैं गैर निजात याफ्ता हूं? कितने लोग समझते हैं अपने आप को मैं निजात याफ्ता हूं? सभी है? तो निजात याफ्ता होने के बावजूद बैठे भी वही हैं जो कलाम सुनना चाहते हैं। मैंने अपनी, मुझे काफी, मैं पुराना पादरी हूं, मैं 90 से खिदमत कर रहा हूं, तो 90 से काफी अरसा है। तो अब तो मेरी 50 के करीब उम्र हो गई है, तो मुझे तजर्बा है कि आप दुनिया के सारे काम कर ले तो कोई बंदा नाराज नहीं होएगा। जब कलाम की बारी आएगी तो कहेंगे बस छोटा जे देना, टाइम का ध्यान रखना। क्यों? ये कलाम इंसान की करेक्शन करता है। मैं पिछले दिनों बता रहा था मंगल की अपनी मीटिंग के अंदर, बाइबल में लिखा है मैं अंगूर का कीकी दरख्त हूं, तुम मेरे डालियां हो। मैं अंगूर का कीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। तो जो डाली जुड़ी रहती है वो लिखा फल लाती है, फल वाली डाली को छांटते हैं, जो छांटी नहीं जाती वो फल नहीं लाती। जो फल लाती है उसे छांटना पड़ना, छांटने के लिए माली की जरूरत है, बागबान की जरूरत है, ताकि बागबान कुरेक्शन करे। मैं अपनी बात लंबी नहीं करूंगा, मेरे पास तो बड़ा मवाद है, लेकिन मैं इसको एक आयत से खत्म करूंगा। पहला यूहन्ना दूसरा बाप उसकी 15वीं आयत से मैं शुरू करूंगा। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है, ये याद रखना। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से है जो दुनिया में है। मैं बड़ी दफा ऐसे होता है कि गाड़ी चला के आगे जा रहे होते हैं तो मैं पैदल जा रहा होता हूँ, चलो तुसी चलो मैं तुम राज मिल लेना। ये मैं नहीं रखती चीजें, ये जरूरी नहीं है। बड़ी देर पहले मुझे फरुखाबाद के अंदर एक इंस्पेक्टर था, उसकी ख्वाहिश थी, रात को खुदा ने मुझे काफी इस्तेमाल किया, रूल कुदस के बपतिस्मे हुए, दूसरे दिन बपतिस्मे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ रहते थे घर में, मुझे सुलाया रात को, उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में बैठ के हम बपतिस्मे देने जाएंगे, क्योंकि वो 6-7 मील का सफर है।
तो 150-200 लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा लेने थे, तो मुझे उन्होंने क्या कहा कि कहने लगे कि आप गाड़ी में बैठे। मैंने कहा मैं गाड़ी में नहीं बैठे। लोगों ने कहा कि आप आएंगे तो हम जाएंगे, आप हमारे आगे के चले। मैंने कहा लीडर तो वो ही जो अपनी कौम के आगे चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं इनके साथ जाऊंगा। तो वो कहने लगा ये बात ही नहीं सही, इसको इज्जत का पता ही नहीं है। वो चाहता था, मैं कहा मुझे इन गाड़ियों की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है मसीह मोहब्बत की। तो वो पुलिस स्कूलों में सिखाता है ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। आज लोग दुनिया की चीजों को गले लगाते हैं, और जब गले लगाते हैं तो खुदा उनसे दूर होना शुरू हो जाता है, वो ही रह जाती है। और आपको मसनूई फूलों का पता कैसा होता है, स्मेल देना शुरू कर देती है। लेकिन जो सही फूल है, कीमतन फूल है, हकीकी फूल है, वो कभी मुरझाते नहीं है। लिखा ये वो सेरा है, पुलिस रसूल कहता है, जो कभी मुरझाने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगली आयत, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं है। शेखियां मारना, अपने अखा नाल लोगों के काम वेख के उंज करते रहना, ये बाप भी लो नहीं है। हो सकता बाप ने अपने आपको फर्क तरीके से रखा हो, आपके अंदर फर्क नेमत रखी हो चमकाने के लिए। आप क्यों देखते हैं, जब आप देखते हैं आप दुनिया को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए लिखा है आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, ये याद रखना। दुनिया भी मिटती जाती है, देखो तबाही फैल रही है पूरी दुनिया के उत्ते, कोई चीज ऐसी नहीं निकलती भी जी लोगों को बचा लै। लोग डर के अंदर से वड़े हुए ने। असी उस शुरू के दिन तो लैके अज के दिन तक लोगों काम करने पे, लोग डर के छुपे हुए। असी जो ज्यादा खौफ सी उदो भी मजमे काम करते रहे। यहां पर लिखा है क्लियर, दुनिया में उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, बहरोबर के खालिक और मालिक, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए। है खुदावंद, इस कलाम के वसीला से आज हम सब की जिंदगी बदल जाए। है खुदावंद, हम तुझे पहचाने हैं खुदावंद कि तू ही हमारा हकीकी नूर और हकीकी दरख्त है खुदावंद। और है खुदावंद, हम तेरे ताबे रह के अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाएं। है खुदावंद, आज के कलाम के वसीले से है खुदावंद, है खुदावंद, हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएँ, हम तुझ में जुड़े रहें है खुदावंद और फलदार ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ। है खुदावंद, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ है खुदावंद। है खुदा, इनको और ज़्यादा गहरे में ले जाना है खुदावंद, ताकि ऐ खुदावंद ये बार बार ऐ खुदावंद तेरी हैकल में आए, और ऐ खुदावंद तेरे कलाम की जो राज हैं खुदावंद इन तक ऐ खुदावंद हम तक पहुंचाना इनके वसीले से ऐ खुदावंद ताकि हम तेरी सच्चाई को जाने ऐ खुदावंद। मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ तेरी जिंदगी बख्श आवाज के लिए ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आपकी भरपूर तालियों में इजहार ख्याल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, इजहार ख्याल के लिए एमएनए चेयरमैन क्रिश्चियन काउंसिल पाकिस्तान मेंबर मजहबी अमूर बैनल मजहब, हमांगी जोरदार तालियों में दावत देना चाहूंगा मिस्टर जमशेद थॉमस, मिस्टर जमशेद थॉमस जोरदार तालियों में इजहार ख्याल के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मिस्टर जमशेद थॉमस जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सब की सलामती हो, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आज जो हमारे मसीही बहन भाइयों ने जो आज मेरा यहाँ पे पुरतबाक इस्तकबाल किया है उसके लिए खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और अचानक ये प्रोग्राम बना, मेरा यहाँ पे आने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन क्या नाम है नवीद साहब ने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और हमारे इलाके को देखें, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है काम करने की। अभी जो इस गली से हम गुज़र के आए हैं
तो उसको देख के भी मुझे अफसोस हुआ कि यहाँ पे आपके MNA भी हैं, MPAs भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा आबादी वाली इस इलाका में एक गली जो है अभी तक नहीं बनी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने फेडरल फंड से जो है इस गली को आपको बना के दूँ। सेकेंडली, नवीद तो मेरे साथ ही होता है, वो मुझे बता रहा था कि यहाँ पे कोई बिजली के खंभों का बता रहे थे कि नहीं है, तो कोशिश करते हैं आप दुआ में रखें कि खुदा हमें हिम्मत दे कि हम आपके जितने भी यहाँ के मसाइल हैं उनके लिए काम करें, उनको हल करें। और यही हमारा काम है, अपने लोगों के मसाइल को हल करना। और अभी 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं, तो अगर इस वक्त भी ये काम ना हुए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात होगी। तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोगों को जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, मैं उनके साथ मिलकर उनके छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह इन मसाइल को हल करें। और नवीद जो है वो मतलब बड़ा मुझे बताता रहता था इस इलाका के हवाले से, तो हमारा अचानक लाहौर का प्रोग्राम बना तो फिर नवीद ने ये कहा कि आप यहाँ भी आएँ। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर, और मैं आप सबका आखिर में एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त दी। और बाकी जो मसाइल हैं वो ज़रूर खुदावंद हल करेगा, और वो करने वाली ज़ात है। और ये चर्च लग रहा है मुझे, ये प्लॉट चर्च के लिए है, ये क्यों नहीं बना अभी तक? अच्छा चले, मेरा एक प्रोजेक्ट है कम्युनिटी हॉल का, तो इस चर्च को उसमें डाल देते हैं, ठीक है? इस काम को भी आप दुआ में रखें, क्योंकि खुदावन के काम कभी रुकते नहीं हैं। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि मैंने यहाँ पे जो बातें की हैं खुदावन मुझे वो पूरा करने की तौफीक दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। जोरदार तालियां MNA साहब के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की सिखाई हुई दुआ हम पास्टर अय्यूब खावर के साथ मिलकर करेंगे। आए हम अपने हाथों को खोले और खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप, तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिसमें अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, हमारे कर्ज भी माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकर की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक दुनिया के कुल मुकद्दसीन के साथ, खास जमात, खानदान, घरानों, जिंदगियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में, आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो।